हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सूरज एंड यू वाचिंग YDV टेक। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस समय स्मार्टफोन में 2, 3 या 4 कैमरे क्यों आते हैं? असल में इनका क्या यूज है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अब के स्मार्टफोन्स में 4 कैमरे या 2 कैमरे क्यों आते हैं और इनका क्या यूज है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, अब के मोबाइलों में जो 4 कैमरे आते हैं, इनके अलग अलग यूजेज होते हैं, जो जिनका यूज करके हम अच्छी से अच्छी फ़ोटो या वीडियो क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट कैमरा होता है प्राइमरी कैमरा, जिसे हम सिंपल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक करते हैं। सेकेंड नंबर होता है वाइड एंगल लेंस, जो ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हैं और वहाँ आपको एक ग्रुप फ़ोटो निकालनी है, तो उस समय आप अपने फ़ोन का प्राइमरी कैमरा न यूज करके वाइड एंगल कैमरा यूज करके एक पूरे ग्रुप की एक अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो एक ही फ्रेम में आएगी। लेंस से आपके फ़ोटो में ज़्यादा एरिया कवर होता है और फोटोज वाइड होते हैं। थर्ड नंबर होता है माइक्रो लेंस, यह एक माइक्रो फोटोग्राफी के लिए फ़ोन में दिया जाता है। इससे आप किसी भी छोटी वस्तु की फ़ोटो नज़दीक से पूरे फोकसिंग के साथ क्लिक कर सकते हैं। इस लेंस का यूज़ करके आप अच्छी से अच्छी और क्रिएटिव फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। नंबर फोर्थ, डेप्थ सेंसर, यह एक सेंसर होता है। यह कैमरा के पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में अहम भूमिका निभाता है। जब आप किसी फ़ोटो को पोर्ट्रेट में क्लिक करते हैं, तब ये सेंसर आपके फ़ोटो को छोड़कर आपके बैकग्राउंड को फोकस में लेकर ब्लर करता है, इस वजह से आप एक अच्छी पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करते हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।